आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। थाना भोजपुर पुलिस एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण टीम द्वारा हथियारों के जखीरा सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में तमंचे व तमंचे बनाने के उपकरण फैक्ट्री बरामद। अवैध हथियार बनाने वाले का नाम सुभाष, पिता का नाम सुरेश, जो कि निवासी बिहारी नगर थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। जैसे कि बताया जा रहा है कि कच्चा माल लाकर बॉर्डर पर अलग अलग ठिकानों पर तस्करी किया करता था, जैसे मेरठ, मोदी नगर, गाजियाबाद इत्यादि शहरों में अवैध हथियारों का काम करता था। पुलिस कार्रवाई की जा रही है। क्राइम रिपोर्टर कपिल चौहान, धन्यवाद। विधानसभा चुनाव 2022 को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद पुलिस के द्वारा लगातार जो अवैध हथियारों और उसके सौदागरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में एक बार फिर से गाजियाबाद पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और थाना भोजपुर एवं SOG देहात की टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है। पूरा श्रेय इन लोग को जाता है कि जिन्होंने बहुत ही शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी संख्या में लगभग 40 के आसपास बने तमंचे एवं भारी मात्रा में जो बनाने वाला सामान है वो बरामद हुआ है। इस व्यक्ति का नाम है सुभाष कटी, ये सासनी गेट अलीगढ़ का निवासी है और इसका जो बनाने का तरीका था वो इस तरह से कि रॉ मटेरियल ये अलीगढ़ में अन्य स्थानों पर रखता है, वहाँ से फिर जो इसको लगता है कि जहाँ पर खपत होने की संभावना ज़्यादा है, खासतौर पर मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, इन क्षेत्रों में ये एक्टिव होता है और किसी भी बंद पड़े खाली मकान में पहुँच जाता है बात करके वहाँ लोकल लोगों के सहयोग से, और फिर वहाँ जाके ये वहीं पर असेंबल करता है और फिर ऑर्डर के अनुसार ये हथियार वहाँ पर डिलीवर करता है। उसी में हम लोगों ने जब इसको हम लोग ट्रेस कर रहे थे, इसके पास से हम लोग को 20 तमंचे बने हुए एवं 16-17 अध बने तमंचे, इसके अलावा काफ़ी अन्य माल भी, बैरल्स, ट्रिगर्स, स्प्रिंग्स और जो अलग मटेरियल यूज़ करते हैं बनाने वो भी इनसे बरामद हुआ है। बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है थाना भोजपुर पुलिस एवं SOG देहात की टीम ने। पूर्ण रूप से श्रेय इन लोग को जाता है और इन लोग के लिए पुरस्कार की भी संस्तुति की जाएगी।